I am Dr. Pankaj Trivedi, neurosurgeon from Jalandhar. Today is the 12th day of the lockdown, Sunday. And news, magazines, a lot of data which is coming. So, I'm kya kuch na kuch aapke saath share karun. So, data mein dekh raha tha, to aaj India mein jo positive cases hain 3,374 है और टोटल डेथ हैं वो अराउंड 77 है. इन कंपैरिजन टू यूएसए द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आर 3,11,635 और डेथ हैं 8,454. तो जब इस डेटा को एनालाइज करते हैं तो वी आर इन अ बैड सिचुएशन. यूएसए एक महीने पहले यहीं पे था और आज आप कंडीशन देखें क्योंकि लॉकडाउन नहीं हुआ और ये जो हमें एक डेटा के हिसाब से एक एज मिली हुई है इसका श्रेय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी को जाता है और साथ में 130 करोड़ जो हिंदू हिंदुस्तान के वासी हैं उनको जाता है जिन्होंने उनकी बात को पूरी तरीके से माना. और उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो हमारी कंडीशन बहुत बुरी नहीं है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. 50% टाइम हम पास कर चुके हैं लॉकडाउन का और 50% इज रिमेनिंग. इस एज को अगर हमने विक्ट्री में कन्वर्ट करना है तो एज ए डॉक्टर जो मैं फील करता हूँ उस कंट्री में जहाँ पे रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है कि कैसे इसको डिफीट किया जा सके. तो मैं समझता हूं कि पूरे सिचुएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है आइसोलेशन और दूसरा है ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन. तो पहले मैं ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन पर बात करूंगा. जो कोरोना वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का है और नॉर्मली 4 से 7 दिन में सिम्टोमेटिक हो जाता है और सिम्टम्स में फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है. तो अब इमेजिन कीजिए और नॉर्मली स्प्रेड कैसे होता है कॉफिंग, स्नीजिंग, इवन टॉकिंग कि एक पेशेंट जो है अभी सिम्टोमेटिक तो नहीं हुआ लेकिन 1 से 4 दिन के अंदर वो वायरस को स्प्रेड कर सकता है. तो हाउ वी कैन ब्रेक दिस चेन? सिंपल, वेरी सिंपल. वेयर द मास्क. एवरीबडी शुड वेयर द मास्क. मैंने भी मास्क पहना हुआ. आई एम प्रोटेक्टिंग यू. यू शुड वेयर मास्क एंड टू प्रोटेक्ट मी. रीजन, दिस इज द बेसिक थिंग्स. अगर आपके पास शॉर्टेज है, नहीं मिल पा रहा है, होम मेड पहनिए लेकिन वेयर द मास्क. हैंड को सैनिटाइज कीजिए, वॉश कीजिए. इस दो बेसिक चीजों से बिना किसी जरूरत के बाहर मत जाइए. सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मिनिमम 3 फीट, 1 मीटर. ये जो बेसिक्स हैं इनसे हम इस जो इंक्यूबेशन टाइम है इसका ट्रांसमिशन है उसको रोक पाएंगे क्योंकि इट इज स्प्रेडिंग बाय मैन टू मैन ना, एयरबॉर्न, माइक्रो ड्रॉपलेट्स. मतलब इट ट्रेवल्स इन टू द एयर मे बी अराउंड 27 फीट एज फॉर द लिटरेचर और द पेपर्स आर कमिंग अप और द न्यूज आर कमिंग अप. And majority of time when we cough, we sneeze, it comes to us. If we are wearing the mask, अगर हम मास्क हमने पहना हुआ है तो मान के चलें हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो ये तो हुआ इसकी चेन को कैसे ब्रेक करना है. So, wear mask, sanitize and social distancing. Second important बहुत जरूरी है जो है isolation. Isolation को मैं ऐसे बोलूंगा जो लोगों ने बाहर से ट्रैवल किया, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है 14 से 20 दिन की. अल्टीमेटली ये वायरस कहां से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. वो अपने आप का सेल्फ डिक्लेरेशन करें. अगर उनमें सिम्टम्स हैं, खांसी, बुखार, कॉफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल. डू नॉट हाइड योर ट्रैवल हिस्ट्री. कोविड सेंटर है जहां पर टेस्ट होता है, वहां जाके अपने आप को बताइए, ट्रीटमेंट लीजिए. आपका आइसोलेशन होगा वहां पे, नहीं तो आपको अगर माइल्ड से सिम्टम, आप अपने आप को भी आइसोलेट कर सकते हैं
छुपाइए नहीं, इस सेल्फ डिक्लेरेशन से न केवल आप अपने आप को बचाएंगे, अपने आसपास के बहुत से लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाएंगे। और दूसरी एक पॉपुलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पॉपुलेशन जो 50-60 साल से ज्यादा की है, जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, कीमोथेरेपीज पे हैं जो, और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, ये वो पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा टारगेटेड हो सकती है इस वायरल इन्फेक्शन में, और जिसमें बैड रिजल्ट आने की संभावना है। तो अगर आपके घर में इस तरीके के लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा है और जिनको ये बीमारियां हैं, उनको तुरंत आइसोलेट कर दीजिए, उनसे कम मिलिए, उनको बाहर के लोगों से मिलना बंद करा दीजिए। अगर आप उनसे मिल भी रहे हैं तो मास्क पहनिए, उनको भी पहनाइए। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। मेरे को लगता है अगर जो अगले 50% जो टाइम बाकी बचा है, अगर हम इन दो चीज़ों पर कंसंट्रेट करें तो हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, जो पॉपुलेशन एट रिस्क है उसको इस इन्फेक्शन से भी रोक सकते हैं, और शायद इस एज को हम विक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक्स चीजों को हम मान के इस लॉकडाउन के बाद शायद एक अच्छी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।